तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। डेफेमेशन कर सकें, ये तमाम वो चीजें करते हैं। अली जैदी साहब जो कि बहरी उमूर के वजीर हैं और माशाल्लाह जो कारकर्दगी बहरी उमूर की रही है वो आप सबके सामने है। चेयरमैन केपीटी का जो स्कैंडल मंजरेआम पे आया, कई टीवी पे प्रोग्राम्स हुए इसके ऊपर, अखबारात में खबर नशर की गई, कभी उन सवालात के हवाले से अली जैदी साहब जवाब नहीं देते हैं, अपने डिपार्टमेंट के हवाले से कोई जवाब नहीं देते हैं। वो एलएनजी का इतना बड़ा स्कैंडल माजी में कहा जाता था तो वो एलएनजी टर्मिनल पोर्ट कासिम में बना है, पोर्ट कासिम जो है उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कभी उसके बारे में भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जिसके बारे में माजी में आप बड़े सवाल उठाते थे पिछले दो साल में आपने क्या किया, जरा कौम उसका भी सवाल आपसे पूछती है। खैर, आप सवाल का जवाब देने के अहल ही नहीं है क्योंकि आप कभी कागजात पढ़ने पर, हकायक पर मबनी बात करने पर बिलीव नहीं करते। सबसे पहले तो मैं अली जैदी साहब ने जो कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत के ऊपर भी इल्जाम लगाए, पीआईए के हवाले से बात की, पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात की, सिविल एविएशन के हवाले से बात की। इस हुकूमत की खास बात है कि जिस शख्स का जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में यह बात नहीं करते हैं। एविएशन मिनिस्टर आके बात करें तो चलो समझ आता है पीआईए के लिए, सिविल एविएशन के लिए। अली जैदी साहब का क्या ताल्लुक है पीआईए से, यह मंतक आज तक समझ नहीं आती। ये इस बात को शो करती है कि किस तरीके से पीआईए को एक सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है। और जो लोग अपनी पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं चला पा रहे वो कहते हैं छह महीने में हम पीआईए बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचे समझे बगैर, बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जल्दी होती है इन लोगों को कि कौन जल्दी ट्विटर पे आ जाए, कौन पहले ब्रेकिंग न्यूज बना दे। तो एक वजीर ने पहले कोई बयान दे दिया जिसका खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है कि वो पीआईए का जहाज जो कि पाकिस्तान का फखर है, जिस पे पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम है, उस पीआईए को मुख्तलिफ ममालिक में जग हसाई का सामना है। अब हमारे पायलट्स जिनको, या एविएशन एक्सपर्ट्स जिनको इज्जत की निगाह से दुनिया भर में देखा जाता है, जो कि ना सिर्फ पीआईए में काम करें बल्कि मुख्तलिफ एयरलाइंस में और एविएशन अथॉरिटीज में काम करें, आज उनके ऊपर भी इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और जब सहाफी आपसे सवाल पूछते हैं तो आप वही कि हम छह महीने में ठीक कर देंगे, एक साल में ठीक कर देंगे, जैसे आज भी ये हुकूमत में नहीं है, चीजों को बेड़ा गर्क कर दिया है, तबाह कर दिया इन्होंने, लेकिन नहीं, छह महीने बाद हम करेंगे, एक साल बाद हम करेंगे, बस हम करेंगे। कर क्या रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसका रूजवेल्ट होटल में इंटरेस्ट है कोई बात नहीं करेगा, कौन कौन डुअल नेशनल है इनकी काबीना में उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। वजीर आजम खुद फैसला करते हैं कि मुआवने खसूसी हो, मेरे मुशीरान हो, वो भी अपने आप डिक्लेरेशन जमा कराएंगे। आज तक कौम को वो चीज नजर नहीं आई, हमें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के ये अहम फैसले कौन लोग कर रहे हैं, उनकी क्या एलिजियंस है, क्या लॉयल्टी है रियासत पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की आवाम के साथ। इन सवालात का कोई जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पे, भोंडा इल्जाम, वो ऐसे हाथ यूं करके कि 4 लाख रुपए टैक्स जमा कराया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, गलत बयानी करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने टैक्स रिटर्न्स, अपने तमाम असासे 2018 में जब पहली बार कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो तमाम असासे उनके डिक्लेयर किए गए, कितना टैक्स पे किया वो डिक्लेयर किया गया, और उस टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, मिलियंस
कि जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है उसका भी जिक्र किया गया, लेकिन अली जैदी साहब को वो बात नजर आई। उन्होंने कहा जी 4-4.5 लाख रुपए इन्होंने टैक्स पे किया है। अली जैदी साहब कागजात का मुताला अगर करते तो आपको नजर आता कि 40 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जमा किया है। रिकॉर्ड पर है ये तमाम कागजात। और सवाल वो पूछ रहा है जिसने अपने टैक्स रिटर्न्स में गालिबन 2016 में टैक्स जमा ही नहीं कराया, 2017-18 में इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ कागजात इन्होंने कंप्लायंस के लिए शो किया, गालिबन कोई 3-3.5 लाख रुपए टोटल टैक्स अली जैदी साहब ने जमा कराया है। अपना किरदार नहीं बताएंगे, लेकिन हां जो शख्स ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम का हक अदा कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम की हुकूक की जंग लड़ रहा है, इस नाकाम तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, बराह रास्त आपको दिखा रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी में 7 सीनियर जजेस शामिल है, जबकि कमेटी में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून इरफान कादिर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम फैसला आज लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से सामने आया है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी इसके जो बेसिक फैक्ट है वो तो है कि अरशद मलिक साहब की दो वीडियोस जो हैं वो सामने आई, मंजरे आम पे आई, और ये मियां नवाज शरीफ का जो फैसला था उसके बाद ये दो वीडियोस मंजरे आम पे आई, और इन दो वीडियोस को अगर आप मिला के देखें तो उसमें एक जगह पे अरशद मलिक साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये किसी एक अर्लियर वीडियो थी जिसकी बुनियाद पर मुझे ये सारी चीज जो है ये मुझे इस इन अ वे मुझ पर जोर डाला गया या मुझ पर प्रेशर डाला गया कि मैं एक मखसूस फैसला दूं। तो एक पहली वीडियो है जो कि नाजेबा वीडियो समझी गई है कि वो एक नाजेबा वीडियो थी और वो मियां नवाज शरीफ के फैसले से पहले की वीडियो है। एक बात की वीडियो है जिसमें कि ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि वो जो फैसला था मियां नवाज शरीफ का वो पहली वीडियो के प्रेशर के नीचे उनको ब्लैकमेल किया गया था और उन्होंने इसलिए फैसला दिया। तो अभी तक ये चूँकि फैसला मैंने तफसीली फैसला तो अभी आया नहीं है या हमने भी पढ़ा नहीं है, तो जब तफसीली फैसला आएगा तो उससे ये क्लियर होगा कि इन्होंने जो इनको निकाला है अरशद मलिक साहब को वो पहली वीडियो पे निकाला है या वो दूसरी वीडियो पे निकाला है। तो और दूसरी वीडियो पे भी अगर उनको निकाला है तो उसके जो रिपरकशंस हैं वो उन केसेस पे भी होंगे जो कि अभी पेंडिंग केसेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो अपीलें पेंडिंग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हुई है कि आइंदा के लिए अब हमारे जो जज साहबान हैं उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ में भी बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एक जज से ये तवक्को की जाती है कि उसका जो लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, लेवल ऑफ मोरालिटी और वो ब्लेमलेस होना चाहिए, और अगर किसी भी किस्म का ब्लेम अगर जज पे आता है तो फिर जज की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, और गालिबन हाई कोर्ट ने यही चीज़ मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया। यकीनन क्रेडिबिलिटी जो है वो असरअंदाज होती है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज फैसला सुनाया गया है कि जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी इन जज साहब की जानिब से। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान शफीक साहब, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर हैं, उन्हें भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। इमरान साहब आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अभी तक ये बात नहीं सामने आ पाई कि ये जो फैसला सुनाया गया है ये तहकीकात मुकम्मल होने पे क्या बात सामने आई जिसके पेश नज़र ये फैसला सुनाया गया है, क्या कोई ऐसी चीज़ साबित हुई है कि किसी को फेवर किया गया इस फैसले में, ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आप लेकिन इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए
देखें, इस फैसले में जो अभी तक जो चीज सामने आई है वो तो ये है कि जज अरशद मलिक साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अब जज अरशद मलिक साहब का जो मिसकंडक्ट है वो रिलेटेड है इस केस से। सर आप साथ ही रहेगा, आपसे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, आम खबर शामिल करेंगे, सिंध हुकूमत का तीनों JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का ऐलान, उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिया बल्दिया बारे JIT रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है, सिंध हुकूमत का तीनों JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का ऐलान सामने आया है। उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिया बल्दिया बारे JIT रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएंगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान किया है कि सिंध हुकूमत ने तीनों JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का ऐलान कर दिया है। उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिया बल्दिया बारे JIT रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएंगी। तो हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, हमने देखा था कि कौमी असम्बली में भी इस ये मामला उठाया गया था, तनकीद की गई थी, सिंध हुकूमत को निशाना बनाया गया था। अब सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, बाकायदा तौर पर तीनों JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का ऐलान कर दिया गया है। थी और जब आप तीन में से दो JITs का मुताला करेंगे तो आपको वो तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। आपके सवाल के बारे में सोहेल सियाल साहब भी कोई बात करना जी, सोहेल सियाल साहब एक मिनट जवाब दे रहे हैं इसका, एक मिनट, एक इसका इसी सवाल का जवाब। सबसे पहले तो मैं एक चीज कर दूं कि जब उस दिन अली जैदी साहब फ्लोर पे उठे तो मैंने समझा कि जो कराची के आम शहरी जो जहरीली गैस की वजह से मरे थे, शहीद हुए थे, शायद उस बात का ये जवाब देंगे क्योंकि वो इनसे डिपार्टमेंट इनसे रिलेटेड था। मैंने समझा शायद वो सफाई दे रहे हैं क्योंकि बहरी बेड़े पे चश्मा पहन के उन्होंने दूसरे दिन विजिट किया था, मैंने समझा शायद वो उस बात का जवाब देंगे, लेकिन जो इनसे रिलेटेड नहीं थी उस चीज़ का नहीं आया। आपने कहा कि JIT में जो है शवाहद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी अपोजिशन से, आप सबके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं, कोई एक शायद एक प्रूफ दे दें जो JIT के हवाले से, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उस जमाने में ये जब JIT बनी थी मैं होम मिनिस्टर था, एक भी चीज जो आज तक मीडिया में जो एंकर हजरात जो बोलते थे, जो अपोजिशन वाले बोलते थे, अगर आज तक वो एक भी चीज साबित हो जाए इस JIT में जिसमें सारे ऑफिसरान की सिग्नेचर है, हर इदारे के ऑफिसरान की सिग्नेचर है, मैं ये कहता हूं कि उस अली जैदी साहब से ये सवाल करता हूं कि जिन JITs का वो जिक्र कर रहे हैं उनमें से JIT थोड़ी पढ़ लें, अगर वो JIT जो वो लहरा रहे थे वो एक झूठा पलंदा था पेपर का, पहले तो मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके एक झूठ बोला है। हम MPs MNAs पे लाइबिलिटी होती है कि आर्टिकल 62-63 हमारे ऊपर आता है कि हम अगर झूठ बोलें तो हमें रिज़ाइन देना पड़ेगा, इस उस सीट के हम अहल नहीं होते। तो अली जैदी साहब से मैं प्रॉपर ये उसके इस्तीफ़ा का मुतालबा करता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके उन्होंने एक झूठ बोला है, एक झूठी JIT खड़े उठा के झूठ बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर झूठ बोला है, सो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। देखिए, जब आप किसी सरकारी ओहदे पर होते हैं तो जैसे सुहेल शाह साहब कह रहे थे कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, आपको जिम्मेदारी के साथ बात करनी होती है। इनके अंदर प्रॉब्ली इशू यही है कि इनको अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बस किसी ने कागज़ थमा दिया, किसी ने व्हाट्सएप दे दिया, उन्होंने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी बस बात कर लो, तो जल्दबाजी में चीज़ें कर जाते हैं, चीज़ें देखते नहीं है कि कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं। देखिए, उसूली एतबार से अगर कोई मामला जिसको अदालत ने तय करना है, कोई एक हाई लेवल की JIT बनी है, एक हाई लेवल की इंटरोगेशन हुई है, अगर आप उस रिपोर्ट को फौरी तौर पर पब्लिक कर देंगे तो बहुत सारे अंदर उसके अंदर ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कि फौरी तौर पर शायद पब्लिक नहीं करने चाहिए, राज होते हैं वो।
ताकि आप उन चीज़ों को मुहरकात को पकड़ सकें और पकड़ने के बाद कार्रवाई की जा सके, ताकि आप लोगों को चौकंदा ना करें। इस वजह से इन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सीक्रेट लिखा जाता है। लेकिन जब आपकी खुद बनाई हुई GIT, खुद बनाई हुई GIT, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, अगर उसको कोई इंजीनियर करता है, उसको कोई फोर्ज करता है, उस डॉक्यूमेंट को कोई चेंज करके अपने अल्फाज डालने की कोशिश करता है, उसको रीटाइप कर गलत बयानी करता है, तो मैं समझता हूं बहसियत हुकूमत के, बहसियत सियासी जमात के। लाहौर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। हमारे साथ एक दफा फिर से मौजूद हैं इमरान शफीक साहब, साबिक नायब प्रोसिक्यूटर हैं। सर बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर से आपसे इसी हवाले से जानना चाहेंगे कि ये बात सामने नहीं आ पाई है कि जो तहकीकात की गई हैं उसमें क्या चीज़ साबित हुई है, कि किस तरफ उनका अगर हमें देखा कि कोई रुझान साबित हुआ है या उनका हम कह सकते हैं कि मुतनाज़ा है किसी तरीके से वो फैसले जो उन्होंने आज तक सुनाए हैं, वो चीज़ साबित हो पाई है या नहीं, ये चीज़ सामने नहीं आई। देखें, इसमें जो असल चीज़ है देखने वाली वो ये है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी, जो 7 जजों ने इसको कंडक्ट किया और लाहौर हाई कोर्ट के तमाम सीनियर जजेज इसमें शामिल हैं और जिन्होंने उनकी बरतरफी के अहकाम जारी किए, देखने की चीज़ ये है कि वो किस इशू के रिलेटेड थी। असल में इशू तो ये है कि पनामा केसेस में जज अरशद मलिक साहब की वीडियोज मंजर आम पर आई, जो उस केस से मुतल्लिक वो इरशादात फरमा रहे थे और उसी को मिसकंडक्ट की बुनियाद बनी। अब उस पनामा केसेस में जो 2 फैसले हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी बहरहाल अब इस जो लाहौर हाई कोर्ट का भी ताजा फैसला है उसकी रोशनी में बहरहाल अब उस पर सवालात ने जन्म ले लिया है। देखिये, जो 3 चीजें हैं बुनियादी जज अरशद मलिक के साथ जो इस जो रिलेटेड थी इस पूरे मामले में, सबसे पहली जो चीज अभी जो आई है वो तो ये तस्दीक होगी कि जज अरशद मलिक इन केसेस से रिलेटेड मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अब ये सवाल कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता कि वो वीडियो कौन सी वाली वीडियो है जो इस मसले में अहमियत की हामिल है, पहली वाली या दूसरी वाली, या वो वीडियो जो अरशद मलिक साहब को दिखाई गई थी वो, ये इसकी ज्यादा अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि बहरहाल वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। दूसरी चीज, जो अरशद मलिक साहब ने खुद एक FIR दर्ज करवाई थी जो FIA के जेरे तफ्तीश भी रही और जिसमें लोगों की जिसमें बहुत से लोगों को मुल्जिम भी ठहराया गया जिन्होंने इस वीडियो को मंदरे आम पर लाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की थी, तो अब वो FIR भी जज साहब की खुद मशकूक हो गई है और उस FIR की भी कोई हैसियत नहीं है। मेरा ख्याल है अब उसने भी अपनी वक्त खो दी है जिसमें जज साहब ने FIR अपनी तरफ से दर्ज करवाई थी। फिर उससे आगे बढ़कर जो जज साहब ने फैसले दिए हैं पनामा केसेस में, बहरहाल अब वो उन केसों पर एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा हो गया है और अब उनकी कानूनी क्या हैसियत रह गई है, क्या वक्त रह गई है कि एक जज जो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ जिसके बारे में ये बात है कि उससे जो फैसले लिए गए हैं वो उसको उसकी कोई नाजेबा वीडियो दिखा कर दिए गए और उसको ब्लैकमेल किया गया है और वो जज अपने इस पूरी तमाम एक्टिविटी है उसका इजहार करता है और वो बताता है और उस पार्टी को बताता है जिसको उसने सजा दी है और उससे अपोलोजाइज कर रहा है, वो माजरत खाना अंदाज है जिसके तहत कि मैंने आपको ये दी। ये बड़ी एक ऐसी तस्वीर है जो बहरहाल पाकिस्तान में निजाम इंसाफ पर उसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। ये जज अरशद मलिक की सुजात का मामला नहीं था, ये पाकिस्तान का एक टेस्ट केस था जिसमें एहतसाब के निजाम को चेक किया जा रहा था और उस पर बहुत से लोगों की मेहनतें थी, लेकिन अब जज अरशद मलिक के इस रवैये की वजह से बहरहाल वो तमाम के तमाम केसेस वो अब मशकूक हो जाते हैं और अब इसमें जिस चीज को अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब अगली चीज जिसको डिटरमिन करने की जरूरत है और अगर पाकिस्तान के निजामे इंसाफ को ठीक करना है तो बहरहाल इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि जज अरशद मलिक को वो कौन लोग थे जो ब्लैकमेल कर रहे थे। यकीनन ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अंडर प्रेशर किया या जिन्होंने उनको ब्लैकमेल करके
किसके हक में फैसला दिलवाने की कोशिश वहां पर की। इमरान साहब हमारे साथ ही रहेगा, सलीम बुखारी साहब सीनियर तजियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम बुखारी साहब, अहम फैसला लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से सामने आया है, बरतरफ कर दिया गया है जज अरशद मलिक, जिन्होंने साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया था, मगर तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ये फैसला सुनाया गया है। बहरहाल लेकिन ये बात सामने नहीं आ पाई है कि तहकीकात में क्या बात सामने आई है, किसने ब्लैकमेल किया, क्यों किया। देखिए बहुत ही जज वो मशकूक फैसले थे, उनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी थी, खासतौर से नवाज शरीफ की जो सजा थी उसके हवाले से, और जो बाबर रवान साहब की बरियत थी कि उनके खिलाफ तमाम सबूत भी थे, फैसले तो बहुत अहम है और अब उनके खिलाफ सब कुछ जो है ये और उनकी हैंडलिंग ऑफ द केसेस भी है, क्योंकि आपने खुद कहा और मेरे साथी भी कह रहे थे कि उन्होंने खुद जाके उस मुलजम से जिसको सजा सुनाई उन्होंने माजरत तलब की, जिसे दबाव के ऊपर फैसला दिलवाया गया था। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस फैसले के बाद से उन तमाम पर या तो उनका रिट्रायल होना चाहिए जी, और या उसके खिलाफ अपील का हक होना चाहिए कि पार्टियां अपील में जाके या उसका रिट्रायल मांगे और या अपनी सजा की माफी जो है वो मांगे। तो बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है, अब इसके ऊपर देखना ये है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं, खासतौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कैसे अप्रोच करती है, वो लाहौर हाई कोर्ट में ही इसके खिलाफ अपील करते हैं या इस फैसले को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि इस फैसले को के बाद खामोशी छा जाए और कुछ भी ना हो, इसलिए कि जो मुतासरा पार्टियां हैं उनको तो अपना हक जो है वो तलब करना है, वो चाहे लाहौर हाई कोर्ट से करें चाहे सुप्रीम कोर्ट से करें। यकीनन लेकिन सर अब जी अब देखना यकीनन यही है कि मुस्लिम लीग नून इस मैटर को लीगली कैसे परसू करती है, कैसे लेकर चलती है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान शफीक साहब साबिक नायब प्रोसिक्यूटर मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ फिर सरगर्म हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने सिंध और पंजाब का रुख करने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क्यादत से मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कल एक हफ्ते के दौरे पर सिंध रवाना होंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से, उस्मान बताएगा मसरूफियात के हवाले से। बिल्कुल, जे यू आई के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हो गए और मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों के कायदीन से रबते तेज़ कर लिए। हमारे ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान एक हफ्ते के दौरे पर कल सिंध रवाना होंगे। वो सिंध में जे यू आई के ज़ेर एहतमाम ए पी सी में भी शिरकत करेंगे और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत, जिनमें अगर हम बात करें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुटो जरदारी से भी उनकी मुलाकात कराची में मतवक्के है। उसके साथ ही साथ वो जे यू आई सिंध की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान पंजाब का रुख करेंगे और हमारे ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत कायद हिजबे इख्तलाफ शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ से भी उनकी लाहौर में मुलाकात मतवक्के है। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों के कायदीन के साथ सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे और हुकूमत को मजीद टफ़ टाइम देने पर तबादला ख्याल करेंगे। कोरोना वायरस के बायस जे यू आई ने अपनी सरगर्मियाँ महदूद कर दी थी, मगर जैसे ही अब हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे तो मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर सरगर्म हुए। उसके साथ ही साथ जे यू आई के ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की दीगर जमातों के कायदीन से भी राबते करेंगे और उनसे भी मुलाकातें करेंगे और एक बार फिर वो मुश्तरका हिकमत अमली जो है हुकूमत के खिलाफ तय करेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज़ादी मार्च शुरू किया था वो कोरोना वायरस के बाद, क्योंकि उन्होंने पंजाब से एक नई सियासी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था जो मौखर करना पड़ा। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान पहले सिंध का दौरा करेंगे। जहाँ पर बहुत शुक्रिया।